बैसनाथ हल्के में प्रमुखता के साथ पनप रही तीन मुख्य समस्याओं पर चर्चा व उनके निदान के लिए एसडीएम सभागार में एक विशेष बैठक उपमंडला अधिकारी विकास शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पहले चरण के बिंदु में विकासखंड बैसनाथ में खेतों, सड़कों, किनारे व अन्य उपजाऊ भूमि पर पनप रही कांग्रेस घास को जड़ से खत्म करने के लिए चर्चा हुई वो इसके निदान के लिए कमेटी का गठन किया गया। इसके अलावा एनएच व गली गलियारों में बेसहारा घूम रहे पशुओं को गौशदन के लिए हर तीन पंचायतों में एक गौशदन बनाने का निर्णय लिया गया। एसडीएम विकास शुक्ला ने बताया कि प्रशासन मंदिरों से होने वाली आय का 15% व सड़कों किनारे बने कई मंदिरों में जमा होने वाले चंदे के सहयोग से इन गौशतनों को चलाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्द ही पशुपालन विभाग, आंगनबाड़ी वर्कर, पंचायत प्रधान व कई पंच पार्षद अपने अपने वार्डों में जाकर पशुओं की संख्या का एक डाटा तैयार करेंगे ताकि अन्य कोई भी पशु सड़कों पर न छोड़ा जाए। एसडीएम ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति सड़क पर पशु को छोड़ता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायत विकास खंड में हर तीन पंचायतों में लगभग 20 गौशदनों का निर्माण भूमि चयन होने के बाद करवाएगा। इसके लिए मनरेगा से कुछ जॉब कार्ड धारकों को 120 दिन के रोजगार के तहत इन गौशदनों में काम करने दिया जाएगा। बैठक में बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासी लोगों के डाटे पर उन पर कड़ी निगरानी रखने को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें तय किया गया कि जियो टैगिंग के आधार पर नगर परिषद के हर वार्ड व पंचायत प्रतिनिधियों व वार्ड मेंबरों की सहायता लेकर एक सर्वे रिपोर्ट तैयार करवाई जाएगी। इसके बाद पुलिस की सहायता से इन लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी। निजी भूमि में रह रहे झुंगी झोपड़ियों के मालिकों को भी नोटिस जारी किए जाएंगे। बैठक में तय किया गया कि इन सभी मुख्य बिंदुओं को अमलीजामा पहनाने के लिए 30 अगस्त बीडीओ सभागार में प्रवासी लोगों व पशुओं के सर्वे के लिए एक डाटा चार्ट दिए जाएंगे, जिसमें संबंधित पंचायत प्रतिनिधि इन बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट विकास खंड या एसडीएम कार्यालय में प्रेषित करेंगे। बैठक में बीडीओ शशि पटियाल, सीडीपीओ सुभाष ठाकुर आदि मौजूद रहे।